राम भैया राम राम। महानव नंद किशोर चौहान छे। हाँ राजपुर संस्था आशा संस्था से राजपुर से आयल भैया। तुम्हारा नाम कई छे? हाँ भैया, महान नाव गजानन आवासी छे और रहना वाला ग्राम नरावलाक छे, तहसील राजपुर जिला बड़वानी। यार भैया तुम काई कर रहे? हाँ बावस्टिंग से चना को बीज उपचार कर। यार भैया तुम 22 टीन से चना के बीज को उपचार क्यों कर रहे? बीज एकासी अच्छी तरह उंगज एकासी फपुन वाला बीमारी नहीं। यार भैया जो तुम 22 टीन से चना के बीज को उपचार कर रहा है, एक काम काई के सामग्री लगे? 1 किलो चना को बीज, हम बास्टिंग, 1 प्लास्टिक थैली और हाथ का मोजा लगे, आवश्यकता अनुसार पानी, 1 प्लास्टिक टोपली। अच्छा गजानन भाई तुम मुझे ये बताओगे कि जो 22 टीन से जो चना के बीज को उपचार कर रहा है, एक आम काई कई सावधानी रखनी पड़े? उपचारित बीज का धूप में नहीं सुखाना, रासायनिक दवा का और जैविक दवा का एक साथ नहीं मिलाना और उपचारित बीज का भंडारण नहीं करना। उपचारित करते समय हाथ मोजा पहनना अनिवार्य। उपचारित बीज का छावन में सुखाना चाहिए। यार भैया ये उपचारित बीज का छावन में क्यों सुखाना चाहिए? धूप में नहीं सुखा सकता है? अगर आप धूप में सुखावा तो यह दवा काम नहीं कर। एक सावधानी यह कि होगा आधा घंटा बाद वाई दे। चना को बीज को उपचार कितना तरीका से करोगे यार भैया मुझे बताओगे? और चना को बीज को उपचार कर रहे तुम देखो। सबसे पहले तो हम प्लास्टिक थैली का भीचे ले, अब एक ऊपर हम चना नाक डाल दें। अभी हम मोजा पेर लेंगा, दवाई मिलाऊंगा। ये माना अब मोजा पेर लिया, आवश्यकता अनुसार हम पानी छाटूँ। एक 2.5 ग्राम अब बास्टिंग मिलाऊँ। एक 2.5 ग्राम बास्टिंग मिले दी, अब एक अच्छी तरह हूँ मिले ले हूँ। ये बीज आप उपचारित हुई गो, आगे कहूँ टोपली में नाखूँ। अभी बीज उपचारित हुई गो, एक आप आधा घंटा तक छाव में सुखाड़ी ना वाई देऊँ। भैया बीज उपचार करना से काय फायदो छे? बीज को उपचार करना से उंगज अच्छी और पौधा एकदम स्वस्थ रहे, जमीन से बीमारी लगे जो है एमन बीमारी नहीं लगे। अच्छा भैया तुमने जो छे 22 टीन से चना का बीज को उपचार करो, एक संबंध में तुम किसान भाई ने काय संदेश देना चाहोगे? हाँ किसान भाई ने कोई सभी किसान भाई ने ये संदेश देना चाहूँ, चना के बीज का उपचार करी ना वो चाहिए सभी किसान भाई ने का महा राम राम। अच्छा गजानन भाई तुमने मेरे को 22 टीन से चना का बीज का उपचार का संबंध में इतनी बढ़िया जानकारी दी, एक धन्यवाद।